आज की डेट में भी पता है कि कोरोना वायरस जो ऐसा है ये पूरा दुनिया को हिला दिया है, पूरा विश्व को हिला दिया है। और जो भी सरकार से जो भी व्यक्ति जहाँ पे है जिससे जो कार्रवाई बन रहा है वो अपना कर रहा है, हर तरह की जागरूकता फैला रहे हैं लोग किसी तरह से इसे वंचित। लेकिन सवाल यहाँ पे होता है कि भारत सरकार भी और हमारा राज्य सरकार भी जहाँ तक जो बन रहा है सब कुछ कर रहा है। स्कूल बंद हो जा रहा है, कॉलेज बंद हो जा रहा है, आपका मॉल बंद हो जा रहा है, स्टेशन पे बहुत कम सा लोग दिखने को मिल रहा है, आप लोग के माध्यम से जानकारी होता है हमको कभी कभी, एयरपोर्ट भी बहुत कम लोग हैं, हर तरह का विषय पर चर्चा हो रहा है हमारा सरकार के द्वारा। आज पता चला है हमको कि कार्यकारिणी का बैठक भी होने वाला है और हम लोग का 31 मार्च तक चलने वाला था विधानसभा और विधान परिषद। उम्मीद है कि स्थगित भी किया जा सकता है 31 मार्च तक। सबसे बड़ी बात है एक जगह न भारत सरकार का ध्यान जा रहा है और न राज्य सरकार का ध्यान जा रहा है। हम भारत सरकार से भी आग्रह करते हैं और राज्य सरकार से भी आग्रह करते हैं और न्यायालय से भी आग्रह करते हैं कि जेल में जो भी व्यक्ति बंद हैं वो हर किसी का माता है, पिता है, किसी का बाप है, किसी का भाई है, तो किसी का जनता है। हम लोग जितने प्रतिनिधि जो चुन करके आए हैं आज सामने, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जेल में है उसका कोई परिवार हमको या आपको या तो जितने प्रतिनिधि लोग आए हैं उनको वोट ना दिया हो, वोट जरूर दिया है। तो इस ख्याल से हम लोग का भी फर्ज बनता है प्रतिनिधि होने के नाते कि जेल में जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। अब बहुत सा तरीका भी है, बहुत सा रास्ता भी है, न्यायालय के माध्यम से भी और जेल के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से जो उनको रिलीफ दिया जा सकता है, जागरूकता भी फैलाया जा सकता है। आज के डेट में ऐसा स्थिति है हमारे जेल में कि 10x20 का एक वार्ड होता है, उसमें हर वार्ड में 45 से 50, 55, 60 व्यक्ति होते हैं। अब आप बताइए उसमें किस तरह से लोग रहता होगा, 10 से 20, 10 × 20 है ना वार्ड होता है, इतना ही सा जगह में 50-60 आदमी रहता है। कोई ऐसा वार्ड नहीं है जिसमें 40 से कम वार्ड होगा, 40 से कम व्यक्ति होगा। इसीलिए हम सरकार और भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों से आग्रह करने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं कि उनके प्रति भी कुछ सोचा जाए। कैदियों को मास्क का रास्ता है नहीं, कोई मास्क नहीं है, दूसरी कोई सैनिटाइजर नहीं है। दूसरी चीज़ हम न्यायालय से मांग करते हैं, हर तरह का कैदी उस वहाँ पर रहता है और कैदी एक नहीं है, अनेकों प्रकार के कैदी हैं। जो सजाप्ता कैदी हैं उनको पिरोल पे भी न्यायालय द्वारा छोड़ा जा सकता है, राज्य सरकार और भारत सरकार विचार करेगी तो। जो विचाराधीन बंदी है उनको भी छोड़ा जा सकता है ओरिजिनल बेल पर, जिनके ऊपर जिस तरह का केस है, छोटा केस हो या बड़ा केस हो, ओरिजिनल बेल पर छोड़ा जा सकता है। इसी के लिए आज खास करके आए किए हैं, हाँ सदन में उठाएंगे इस बात के लिए सभी कैदियों का। और सरकार और राज्य सरकार और भारत सरकार से न्यायालय से ये भी आग्रह करते हैं कि अगर जेल में जो भी व्यक्ति गया है मानवता के आधार पर जीने का अधिकार है तो उन लोगों पर भी विचार किया जाए। और हम चाहते हैं कि जो पेरोल पर छोड़ने लायक है उनको पेरोल पर छोड़ दीजिए, जो ओरिजिनल बेल पर छोड़ने लायक है ओरिजिनल बेल पर छोड़ दीजिए और जो नियमित बेल देने लायक है उनको नियमित बेल दे दीजिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।